हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लिटरली मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो चैनल का इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, वैसे तो पहले भी नीचे ही था बट अभी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। मुझे नहीं लगता ये वीडियो कोई देखेगा। अगर आप क्लिक किए इस वीडियो पे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बिगनर यूट्यूबर की तरह मोंटाज थंबनेल क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट अपना भाई समझ के इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपको अदर कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के लिए भी थंबनेल क्रिएट करना सीखना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको PSCC को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1920 और 1080 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको राइट की साइड में एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें एक प्लस का आइकन दिख रहा है। उसमें फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके फिर फ़ोटो में जाके आप लोग को उस स्क्रीन शॉट को ऐड कर लेना है जो आप थंबनेल में यूज करने वाले हैं। अब इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए लेयर के ऑप्शन में जाके इसकी ओपेसिटी को कम करके हमको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। चलिए सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कैरेक्टर बीच में रहे तो थंबनेल देखने में काफ़ी कूल लगता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा हर एक बार थंबनेल बनाने में। अब आपको लेफ्ट के साइड के नीचे की तरफ आपको डॉट डॉट करके दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आपको पॉलीगन सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर में एक पेंसिल का आइकन होगा, उसमें जाके 100 पॉइंटर को इनेबल करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें हमको दो प्रकार का एरो मिलेगा, जिसमें राइट वाले से हम मूव कर सकते हों और लेफ्ट वाला एरो से हम इसे पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को करके दिखाते हैं, तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो मैं राइट वाले एरो से मैं यहाँ पे लाया और लेफ्ट वाले से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। सो चलिए सबसे पहले इसको अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से देखते हैं। याद रहे कि जब आपको पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाए करेक्टर, तब आपको लास्ट में आके स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको मिल जाना है, तभी आपका पूरा करेक्टर सिलेक्ट।
उसके बाद ये पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको लेयर में जाके इसको लेयर ऑफ सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड में जाके इसको हाइड करके देख लेना है कि ये अच्छे से कटिंग हुआ है कि नहीं। तो ये अच्छे से कटिंग हो गया है। इसके बाद आपको लेयर में जाके करेक्टर वाले लेयर में जाके आपको नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको करेक्टर वाले लेयर को डुप्लीकेट करना है। फिर आपको डुप्लीकेट वाले लेयर पे जाना है, फिर आपको प्लस के आइकन में क्लिक करके नॉर्मल वाले में जाके इसको लीनियर डॉज कर देना और इसकी ऑपेसिटी पर अप्रॉक्स 40 रख देना, 40 इनफ होना इतना। अब आपको लेयर में जाके ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर से मर्ज डाउन कर देना। इसके बाद आपको लेयर में जाके बैकग्राउंड वाले लेयर पे आना है, उस प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अब हमको इसमें कलर देना है, तो इसलिए हमको एफएक्स में जाना पड़ेगा। तो एफएक्स में जाते हैं सबसे पहले, वहाँ पे जाके टिंट में जाना है, तो यहाँ पे आपको स्काई ब्लू ले लेना है। आप लोग कलर में जाके यहाँ पे जाके आप लोग स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको बैकग्राउंड में और कुछ नहीं छेड़ना है। फिर आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, फिर आपको कैरेक्टर वाले लेयर पे जाना है, फिर आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। फिर आपको लेयर में जाके इस एक एम्प्टी लेयर लेना है, फिर आपको एक एंड का सीन दिख रहा हो उसमें जाके फिल एंड स्ट्रोक में जाके आपको एक वाइट कलर से इसको फिल कर देना है। फिर आप बाहर में टच कहीं भी कीजिएगा तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एफएक्स में जाना है, ये आपको फुल करना है और ये तीन बार देना है। तो चलिए सबसे पहले दे लेते हैं। जब आप इसको तीन बार दे देते हैं तो फिर आपको लेयर में जाना है, प्लस के आइकन के बगल में एक आइकन होगा, उसमें क्लिक करके नॉर्मल में जाके आपको इसको लीनियर डॉज कर देना है। अब इसको कैरेक्टर के पीछे लगाने के लिए आपको ऊपर वाले लेयर को कैरेक्टर के नीचे करना है, तो ड्रैग करके नीचे कर लेना है। उसके बाद फिर आपको ऊपर वाले लेयर में जाना है, सेम इसी तरह से आप लोग को करना है, बट इस बार आपको डार्क स्काई ब्लू देना है। तो चलिए सबसे पहले दे लेते हैं। उसके बाद आपको उस टेक्स्ट को ऐड कर लेना है जो आप थंबनेल में यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको ऐड कर लेते हैं। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर फोटो लेयर में जाना है, फोटो लाइब्रेरी में, फिर यहाँ से आप लोग को उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको हर एक वर्ड को अलग अलग लेयर में करना है, इसलिए आपको लेफ्ट के साइड नीचे की तरफ आपको एक डॉट डॉट करके दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और पी के ऊपर से एस तक ड्रैग करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको लेयर ऑफ लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देना है, ये अलग लेयर पर चला जाएगा। फिर आपको नीचे वाले लेयर में आके पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ये नीचे वाले लेयर पर डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको हर एक वर्ड को अलग अलग कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का पोजीशन चेंज करना है या फिर इसको बोल्ड करना है तो आपको एक एंड का साइन दिख रहा होगा, उसमें जाना है, उसमें क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको नीड्स और एक्यूरेसी को मर्ज कर, उसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी और जो नीड्स वाला वर्ड है इसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो हमको उसी तरह से हम लोग को कर लेना है। को टेक्स्ट में ग्रेडियंट देना है, इसलिए आपको लेयर में जाके टेक्स्ट वाले लेयर पे जाना है,
और फिर आपको ऊपर में एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आपको सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपको ऊपर में एक एंड का साइन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ग्रेडियंट देना है। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। आपको ये अच्छा लगता है तो हम इस तरह का ग्रेडियंट दे दिए। उसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट लेयर करना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको ऊपर वाले लेयर को लिनियर टॉच कर देना है और इसकी ऑपेसिटी को अराउंड 19 रहने देना और मर्ज डाउन कर देना। फिर आपको इसको सिलेक्ट पिक्सल करना है। उसी तरह से एक इम्पीटी ले लेना है। फिर लेना स्टॉक में जाके आपको एक वाइट कलर का स्टॉक दे देना है और इसकी विड्थ अप्रोक्स 8 रखने देना। 8 इनफ होगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको नीचे वाले के लेयर को सिलेक्ट पिक्सल करके ऊपर वाले लेयर में एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको साइड साइड में वाइट कलर का दिखेगा। फिर आपको दोनों को मर्ज डाउन कर देना है। डाउन कर देते हैं। फिर आपको उसी तरह से नीचे वाले लेयर में जाना है, सिलेक्ट पिक्सल करना है, फिर ग्रेडियंट में जाके आपको ग्रेडियंट देना है। इसमें कुछ येलो और रेड टाइप में ग्रेडियंट देंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसी तरह का ग्रेडियंट दे सकते हो। ये कलर इस बैकग्राउंड वाले कलर से मैच करता है, इसलिए हम यही कलर यूज कर किए हुए हैं। आप लोग भी यूज कर सकते हैं। फिर सेम उसी तरह से आप लोग को एक इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है। फिर आपको उस डुप्लीकेट वाले लेयर को लिनियर डॉज कर देना है और इसकी ऑपेसिटी को अप्रोक्स 19 रहने देना। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा रख दिया क्योंकि ये ज़्यादा में अच्छा लग रहा था। फिर आपको उसी तरह से एक डू सिलेक्ट पिक्सल करना है, एक इम्पिटी लेयर लेना है। उसके बाद आपको फिल इन स्टॉक में जाके एक येलो कलर का स्टॉक देना है और इसकी विड्थ को भी 8 रहने देना। और फिर ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर में जाके ऊपर वाले लेयर को एक्सट्रैक्ट कर देना और उसके बाद मर्ज डाउन कर देना। अब हमको एक इम्पिटी लेयर लेना है। इम्पिटी लेयर लेने के बाद आपको लेफ्ट के साइड एक डॉट डॉट करके दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेना है ताकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो। उसके बाद आपको इम्पिटी वाले लेयर में जाके फिल एंड स्ट्रोक में जाके आपको ब्लैक कलर से इसको फिल कर देना है। चलिए फिल कर देते हैं। उसके बाद इसकी ऑपेसिटी को अप्रोक्स 33 रहने देना, इतना काफ़ी रहेगा, नहीं तो इससे ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसको टेक्स्ट के पीछे लगा देना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू।